हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुचिश रनर बाहर। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे हो। और क्योंकि अभी अपने आप लोग सब पे अपना ध्यान रखना, क्योंकि नया वायरस जो है वो इंडिया में आ चुकी है, तो इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा क्राउड में अगर जाओ तो फिर से मास्क पहनने के लिए। ऐसा तो लग रहा है कि ये जो मास्क है ना, हमारी कभी पीछा छूटेगी ही नहीं। ओके, चलिए तो फिर आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फिश का रेसिपी, वो है पापड़ा फिश। आज जो मैं पापड़ा फिश से बनाने वाली हूँ वो है पापड़ा फिश का तेल झोल। तो ये पापड़ा मछली का जो तेल झोल है, ये मैं बहुत ही सिंपल वे में, एक्चुअली ये बहुत सिंपल वे से होती भी है, इसमें कोई मसाले का यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। और एक बात, अच्छी बात ये है कि ये पापड़ मछली का जो तेल झोल है ना, ये बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब कोई इसे आराम से खा सकता है। तो फिर चलिए मैं रेसिपी जो है मैं बनाने जाऊँ, इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना सबके साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं झोल बनाने। पापड़ा मछली का तेल झोल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है पापड़ा मछली। देखिए, मैंने यहाँ पे 6 पापड़ा मछली मैं यहाँ पे ले ली हूँ। इसका साइज़ आप देख सकते हो, ये मीडियम साइज़ का है। और हमें ज़रूरत है मास्टर्ड ऑयल। ये जो पूरा मछली है ये इसे मैं मास्टर्ड ऑयल से ही बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैक क्यूमिन शीट है, जिसे हम काला जीरा बोलते हैं, काला जीरा मैं यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पे ले ली हूँ बैगन। बैगन को मैं इतना इस तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे करके मैं यहाँ पे काटी हूँ। 2 ग्रीन चिली, आधा टमाटर ली हूँ, और थोड़ा सा ये बड़ी ली हूँ। ये वाला जो झोल होता है ना, इसमें बड़ी देने से ये बहुत टेस्टी होती है। और हमें चाहिए हल्दी और नमक, बस सिर्फ यही है। सारी चीज़ों से मैं बनाऊंगी पापड़ा मछली का तेल झोल। तो सबसे पहले मैं मछली को हल्दी, नमक और थोड़ा सा 1 स्पून ऑयल दे करके इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूंगी। मैं ऑयल इसलिए दूंगा क्योंकि ये मछली जब फ्राई करती हूँ ना, तो थोड़ा सा जो है वो छिड़कता है, तो इसलिए ये मछली फटता है मतलब, तो इसलिए आप अगर ऑयल लगा दोगे तो ये मछली फटेगी नहीं। ये मछली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है एंड बहुत सॉफ्ट होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मछली आप आराम से बच्चों को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइज की अगर मछली हो तो आप बच्चे को दे सकते हो, और एक साइज आती है इसी की, इससे बड़ी होती है, तो वो अगर बच्चे को ना दे तो ठीक है, बट ये वाला जो साइज है आप आराम से बच्चे को दे सकते हो। तो क्योंकि इसमें ना कांटा भी नहीं होती है, सिर्फ मिडिल का एक कांटा होता है बस, और नहीं। तो ये हम मैरिनेशन कर लिए हैं, तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मछली को मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। तो एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। मैं फ्राई करने के लिए भी मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं मछली सब दे दूँगी। तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें सारे मछली को दे देती हूँ।
और मछली को मैं ज़्यादा हार्ड करके नहीं फ्राई करूँगी, जस्ट हल्का ही फ्राई करना है। हल्का फ्राई करने से क्या होता है ना, मछली का टेस्ट जो है वो बना रहता है। मछली जो है इस तरह से अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं इसे पलट देती हूँ। मछली जो है फ्राई हो गई है, अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अब बाकी जो दो मछली बची थी उसको भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इस तरह से एकदम हल्का हल्का करके ये मछली को फ्राई करना होता है। तो ये भी मछली मेरी फ्राई हो गई है, अब इसे मैं उतार लेती हूँ। अब और तेल में यूज़ नहीं करूँगी, इसी तेल में ही मैं 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टमाटर, मिर्च, ग्रीन चिली देखा के अच्छे से इसको मैं चला लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें जो बैगन कटा हुआ था, ये बैगन मैं इसमें ले लेती हूँ। ये बैगन भी थोड़ा सा हल्का नरम हो जाए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी। अब मैं अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। अब मैं इसको जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको मैं ढक देती हूँ, ताकि बैगन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गई है, अभी देखती हूँ बैगन। आप देख सकते हो बहुत हद तक सॉफ्ट हो गई है बैगन। अब मैं इसमें जो है पानी ऐड कर देती हूँ। पानी आप उस हिसाब से रखिएगा जितना ही कि आपको झोल या फिर झोल रखना हो। इसमें अब मैं थोड़ा सा उबल जाए ये, उसके बाद मैं नमक जो है वो थोड़ा सा चख लूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम जो है उसको मैं हाई कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से उबल जाए, और थोड़ा सा मैं इसको फिर से ढक दूंगी। देख सकते हो ये झोल जो है बहुत अच्छे से उबल गई है। अब मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर बैगन
बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं इसमें जो बड़ी, ये मैं स्किप कर गई थी, ये बड़ी को मैं फ्राई की हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये बड़ी को मैं इसमें डाल देती हूँ और जो मैं मछली फ्राई करके रखी थी वो मछली को भी एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। ये मछली इतना ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि मतलब इसको फ्राई करना भी बहुत मुश्किल है। ये मतलब टूटने का इसका बटर बना रहता है। तो सारे मछली जो है मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक दूंगी जस्ट 2 मिनट के लिए और गैस को मैं ऐसे ही सिम कर देती हूँ। मछली का झोल मेरा रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देती हूँ। इससे ना बहुत एक खुशबू बहुत अच्छा से खाती है, इसलिए अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी कम था तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड की थी। गैस को कर देती हूँ ऑफ। तो आपको अगर मेरी ये पापड़ मछली का तेल झोल का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये झोल जो है वो खाने में इतना टेस्टी होता है, आप देखे हो मैंने इसमें कोई भी मसाले का यूज़ मैं नहीं की हूँ। ये आप बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो बीमार होते हैं वो सबको ये झोल जो है वो खा सकता है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे ही रेसिपी लेकर के मैं आपके साथ लोग भी जाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।